भारत में पबजी की वापसी होने वाली है। भारत सरकार ने क्राफ्टन कंपनी को इस बात की मंजूरी दे दी है कि वो अब दुनिया भर में चर्चित गेम बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया को फिर से बाजार में उतार सके। भारत में पबजी बेहद लोकप्रिय मोबाइल गेम रहा है, जिसमें बैटल ग्राउंड का बेहद अहम स्थान है। पबजी और बैटल ग्राउंड के दीवानों के लिए जैसी खुशखबरी आई, वैसे ही पबजी और उसका इंडियन वर्जन BGMI ट्विटर पर ट्रेंड करने लगा और भारत में क्राफ्टन के CEO सीन यूनिल सॉन ने भारत सरकार के फैसले के बारे में जानकारी दी, सरकार को भी धन्यवाद कहा। माना जा रहा है कि कंपनी को 3 महीने के लिए ऑपरेट करने की परमिशन अभी दी गई है, जो बढ़ाई जा सकती है। इस दौरान इस पर नजर भी रखी जाएगी और सूत्रों के मुताबिक जानकारी ये है कि 27 मई से पूरी तरह से ये गेम भारत में भी काम करने लगेगा। फर्स्ट थिंग फर्स्ट ये है कि जो गेम है वो इसी महीने आ रहा है, वो तो तुम लोग को खैर पता ही है। सेकंड थिंग सेकंड ये है कि गेम आने के बाद जो पहली चीज होती है वो भी इसी महीने होगी। तो गेम आने के बाद जो पहली चीज होती है वो इसी महीने होने की बातें हैं, ये लीक है। अच्छा अच्छा तो तुमको पता है कि कब हो रहा है पहला इवेंट ये तुमको पता है कि कब हो रहा है पहला इवेंट ऐसा मत करो भाई, सेक्सी चीज बताइए यार। भाई ये नहीं, भाई ये नहीं, भाई पांच दिन में 25 है क्या आज? आज कुछ होगा क्या? आज कुछ होना स्केड्यूल्ड है, स्केड्यूल्ड था, होगा कि नहीं अब ये तो मुझे भी नहीं पता भाई। बस अपडेट आएगा, अपडेट इन द सेंस कि आना था कि क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है, तुम लोग को जागरूक कराया जाएगा उस चीज से, ऐसा आज कुछ प्लान था, बट वो अभी तक तो नहीं हुआ है। इसी महीने गेम भी आना चाहिए और इसी महीने खुशियों की शुरुआत भी हो जानी चाहिए। तो उस टाइम की ये बात है कि मैं तुमको ऑब्वियसली एग्जैक्टली प्लेयर का नाम नहीं बताऊंगा, बट मैं हूं तो तुमको समझ जाओगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। तो उस टाइम ये था कि हाँ, BGMI सीजन 2 की जब प्लानिंग और ये सब कुछ चल रहा था, तो उस टाइम ये था कि हाँ, एक लेजेंड को, मैं क्रिकेटर भी नहीं बोलूंगा उनको, एक लेजेंड को बुला करके उनके हाथ से ट्रॉफी दिलवाने का प्लान था। वो भी इसलिए क्योंकि इवेंचुअली इट्स हेल्पिंग द ई स्पोर्ट्स, क्योंकि स्पोर्ट्स और ई स्पोर्ट्स बहुत ही क्लोज चीज है व्हेन इट कम्स टू द ऑडियंस वाइज और इन सारी चीजों से रिलेटेड बोल रहा हूँ। तो वो था, मैं तुम लोग को बस इतना हिंट दे सकता हूँ कि वो जो लेजेंड है, अभी 3 टीम्स जो बची हैं IPL में, मतलब जिनके चांसेस हैं, CSK, GT और तीसरी कौन सी है, MI, इन तीनों में से ही किसी एक टीम के प्लेयर हैं, बस इतना बोल सकता हूँ।